आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वेज सैंडविच। तो आप चाहें तो इसको पहले काट दें, और देखिए पहले हम काट देते हैं। और ये जितना ये पीस होता है इसका आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। आप ये नहीं है कि वेस्ट नहीं होगा, वो आप ब्रेड क्रम्स बना दें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ सैंडविच की चटनी। उसके लिए ज़्यादा धनिया पत्ता चाहिए और उससे थोड़ा कम पुदीना का पत्ते चाहिए, एक अदरक का टुकड़ा चाहिए और यहाँ पर 4-5 लहसुन की कलियाँ चाहिए। और यहीं पे हमने दिया है ये 150 ग्राम नारियल का बुरादा दिए हैं हम। आप चाहें तो कच्चा नारियल भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं चटनी पीस देने हम। ये सारा धनिया पुदीना का हम धो देते हैं और जार में डाल देंगे। इसी हम नारियल का बुरादा भी डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये चटनी गाढ़ी होती है। तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, कम से कम 3-4 चम्मच के करीब। बाकी ज़रूरत हो तो बाद में भी डाल सकते हैं हम। इसको पीस देते हैं। ये चटनी मोटा ही रखेंगे क्योंकि हमें सैंडविच पर लगाना होता है, तो ऐसे मोटा रख दिया हम। अब आपको हम सैंडविच पर लगा के दिखाएंगे चटनी को। ये देखिए इधर हमारी सैंडविच वाली चटनी है। इसको हम इस तरह से लगा देंगे बढ़िया से चारों तरफ। अब इस पर हम लगाएंगे लाल वाली चटनी। तो इस पर हम चटनी थोड़ा ही थोड़ा लगाएंगे और इस पर चारों तरफ लगा दिए। इसको हटा देते हैं। एक पनीर का टुकड़ा ऐसे इस पर लगाएंगे हम चारों तरफ से। टमाटर, एक प्याज, 2-3 आलू इस तरह से। इसमें और भी कुछ आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे पास खीरा है तो मैं खीरा भी लगा देता हूँ इस तरह से। और यहीं पे हम चाट मसाला डाल देते हैं थोड़ा। इसके ऊपर हम ऐसे रख देते हैं। और इसके ऊपर अभी हमने सॉस लगा दिया है, इसको भी इसके ऊपर रख देंगे और इसको बढ़िया से दबा देंगे इस तरह से। बढ़िया से दबा देंगे इस तरह से, इस तरह से दबा देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं पनीर की जगह से, कि ये हमने ब्रेड उठा दिया, इसमें चाहें तो आप चीज़ ऐसे क्रश करके डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से चीज़ भी डाल सकते हैं। और चीज़ का एक वो आता है, रोज़ भी आता है, दूसरे तरह का भी चीज़ आती है, उसको भी डाल सकते हैं। और तब इसको आप लॉक कर सकते हैं। एक तो सेट हमारा ये बन गया, दूसरा सेट आपको बना के हम दिखा रहे हैं। ये देखिए इस पर हम थोड़ा सा चटनी डाल देंगे सैंडविच वाली, और इसको हम चाकू से फैला देंगे चारों तरफ इस तरह से। इस तरह से चाकू से फैला देंगे हम। इसको रख देंगे नीचे। दूसरी वाली पे हम चटनी, आप टोमेटो केचप डाल सकते हैं। हमारी हर लाल चटनी है, टोमेटो केचप से ब्रेड गीला नहीं होगा, तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसको यहाँ रख दिया। और इस पे हम लगा देंगे फिर हरी चटनी। आपको अगर हरी चटनी ज़्यादा पसंद हो तो 2 में लगाएं हरी चटनी, आपको कम पसंद हो तो 1 में लगाएं आप हरी चटनी। और ये देखिए हम तीनों को रख दिए हैं। इस पर हम डालेंगे पनीर का पीस पतला कटा हुआ। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम खीरा डाल देते हैं 4। और यहीं पे हम डालेंगे एक प्याज। आपके पास और कुछ भी हो जैसे कि आलू है तो आप आलू भी डाल सकते हैं ऐसे, टमाटर भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है उस तरह से आप सामान इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मोजरेला चीज़ डालेंगे सब पे। अब इसको हम लॉक कर देंगे। तो हम इसको रखेंगे पनीर को नीचे, उसके ऊपर इसको रख देंगे और इसके ऊपर हम इसको पलट के ऐसे दबा के इसको पलट देंगे ऐसे। ये हमारा अब इसको हम हल्का हल्का हाथों से प्रेस कर देंगे, हल्का हल्का हाथों से। ये दोनों सेट हमारा तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम तवा की तरफ। ये देखिए इधर हमने
मक्खन को मेल्ट कर दिया है और इस तरह से हम मक्खन डाल देंगे थोड़ा सा, और यहीं पे जो हमने सैंडविच दिया था उसको यहीं पे हम डाल देंगे इस तरह से। अब इस तरह से आप घर के तवे पर भी बना सकते हो। देखिए हम थोड़ा थोड़ा मक्खन को इस तरफ से ऊपर ऊपर से लगा देते हैं इस तरह से। मक्खन आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, इसको हल्का हल्का दबाते रहें ताकि ये अंदर से भाप पूरा बन जाएगा, और भाप बन के ये अंदर जो भी सामान आपको थोड़ा बहुत क्रंची है वो सॉफ्ट हो जाएगा। एक बार हम नीचे उठा कर देख लेते हैं कि ये कैसा हुआ है। ये देखिए हमारा कितना बेहतरीन बना पड़ा है। इसको दबाते रहेंगे और करते रहेंगे। फ्लेम आप ये तवे का बिल्कुल लो रखें तब आपका क्रिस्पी बनेगा। इसको थोड़ा सा आप घुमा देते हैं इधर और इधर की तरफ, कहीं हो सकता है एक तरफ ज़्यादा इधर पक रहा था तो घुमा दें। अब आपको हम दिखाते हैं कि दूसरे तरह से कैसा पका है। ये देखिए इधर से भी हो रहा है तो थोड़ा सा और इसको क्रिस्पी कर देंगे हम। का एक सेट तो हमारा क्रिस्पी हो चुका है तो हम दूसरे सेट को भी क्रिस्पी करने के लिए रख देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा उधर खिसका देते हैं ये इधर की तरफ, और यहाँ पे थोड़ा सा हम यहीं पे आग लग रहा सेंटर में तो यहीं पे जो कुछ हम करेंगे यहीं करेंगे, तो इसी पे हम ब्रेड को लगा देते हैं और घुमा देते हैं। जब तक नीचे हमारा क्रिस्पी हो रहा है तब तक हम यहाँ पर सैंडविच पर थोड़ा थोड़ा इधर भी मक्खन लगा देंगे ताकि जब दूसरा साइड हम पलटेंगे तो इधर का भी क्रिस्पी हो जाए। इधर हमारा क्रिस्पी हो रहा है, जब तक इसको हम देख लेते हैं कि हमारा क्रिस्पी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए एकदम लजीज क्रिस्पी हो चुका है। इसको हम एक तरफ हटा देंगे और इसको देखते हैं कि क्रिस्पी हुआ है कि नहीं है। ये देखिए हमारा बहुत बढ़िया क्रिस्पी हो चुका है। तो ऐसे गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे हम, इसको भी क्रिस्पी कर देते हैं। ये देखिए इधर से पलट के इधर थोड़ा सा ये वो कम हो गया है, इस वजह से ये बढ़िया सा क्रिस्पी नहीं हुआ है। अभी आपको हम पलट के दिखाते हैं। ये देखिए इधर से भी क्रिस्पी हो जाएगा बढ़िया। ये देखिए आपको मैं पलट के दिखा रहा हूँ ये कितना क्रिस्पी हुआ है। देखिए ये भी एकदम क्रिस्पी हो चुका है। तब इसको हम दोनों को यहाँ रख देते हैं। ये देखिए हम आपको काट के दिखा रहे हैं कि हमारा ये कितना लजीज सैंडविच बना हुआ है। ये देखिए मज़ा आ गया। ये देखिए सैंडविच क्या बेहतरीन बना पड़ा है, क्या लुक है इसका। अब इसी तरह हम दूसरा सैंडविच भी काट देते हैं। और इसको भी आपको दिखा रहे हैं। अरे वाह, ओ माय गॉड, क्या सैंडविच बना है। देखिए राम राम जी, आज आप लोग का स्वागत है दादाजी का ढाबा में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो भेज सैंडविच की। बनाना बिल्कुल ही आसान है, और हमारे तरह से आप सैंडविच बनाते हैं तो इतना टेस्टी होगा कि आप दूसरा सैंडविच खाना भूल जाएंगे। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं सैंडविच बनाने। ये हमारी सैंडविच बनके तैयार हो गई है, वेज सैंडविच है। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पर ही फॉलो करें, और हमारी कोई भी रेसिपी आप बनाते हैं उसका सामग्री चाहिए तो मेरा वेबसाइट है dadajikadhaba.com, उस पर विजिट करके हमारे वेबसाइट से सामग्री ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है। आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि उस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड करें, और जो भी आप कमेंट करेंगे उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो अपलोड करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। ये देखिए इसको अब हमने तो इसमें मक्खन लगा रखा है, इसको हल्का हल्का हम गर्म कर देंगे। पहले हम गर्म किए थे, इसको बढ़िया से हम करारा कर देंगे, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर दें। और इसको पलट के देख दें, करारा बढ़िया से हो गया है। तब इसको हम निकाल देते हैं। एक प्लेट दियो राहुल। ये देखिए हमारा कितना लजीज पनीर का सैंडविच बना है। अब इसको हरी चटनी, मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं आप। ये देखिए चटनी के साथ। तब हम टेस्ट करके देखते हैं कि बना कैसा है। पहले तो आप टेस्ट करेंगे उसके बाद में।
बहुत ही बेहतरीन बना है, बहुत बेहतरीन, औसम जिसको बोलते हैं, औसम। आप चाहे आलू वाला बना रहे हो सैंडविच या पनीर वाला सैंडविच बना रहे हैं, आपको जहाँ चाट मसाले की ज़रूरत है वहाँ आप चाट मसाला डाल सकते हैं।